उफ उफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सके, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी, तो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुन सुन कर राजा बहुत खुश होता रहा। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोच कर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं, वह उसके लिए एक ऐसा दुल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दुल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां क्या करे, अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दुल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाए और उसको सब बता दें, फिर जो होता हो उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। तो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसी कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज अपने बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। तो वह अपने बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी, बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई जैसे कोई इंसान रोता है। ओ, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर बात करेगी।
बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार ना कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और अब वे महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब दो राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया।